और किसानों को क्या दिया? आपके हाथ में बैटरी वाली टॉर्च पकड़ा दी, दूसरे हाथ में लट पकड़ा दिया, का खेत में तार लगाओ, रात भर पहरेदारी करो। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुस के मारा जाता है, कोई शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ चला गया तो वहां मारा जा रहा है, और बार बार बुलाया जाता है कि भर्ती खुल गई चलो बरेली में दौड़ करो, चलो गाजीपुर में इम्तिहान दो, और फिर वहां पहुंचते हैं यूपी टेट में हुआ क्या हुआ, पेपर लीक, इम्तिहान रद्द। पहले वो कह रहे थे 80-20 और यहां आके और घटा दिया आपको, कब 90-10 है, ये 10% आप ही को घटा रहे और कोई नहीं है। बाबा की नजर में जो किसान गाजीपुर बॉर्डर मोर्चे को संभाले हुआ था वो था 20 में, जो लखीमपुर में जिन पे गाड़ी चलाई गई वो 20 में, जिसने विरोध किया भाजपा का वो राष्ट्रविरोधी वो 20 में है। और बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि जब समय खराब होता है तो फैसले भी गलत होते हैं। ये इतने गिर गए बिजनौर में, आपको पता लगा होगा बिजनौर में आपके चुनाव चिन्ह पे गठबंधन के प्रत्याशी हैं डॉक्टर नीरज चौधरी, पता करा लेना क्या मामला हुआ। डॉक्टर नीरज चौधरी हैंडपंप के चिन्ह पे वहां के बिजनौर सदर के प्रत्याशी हैं। वे चुनाव अभियान में गांव में जा रहे थे निकल के, और जैसे यहां नारेबाजी हो रही वहां नारेबाजी हुई, और उसकी जो वीडियो ऑडियो चेंज करके वायरल करके उसके खिलाफ भाजपा के लोगों ने FIR दर्ज कराई कि उसके काफिले में उसके कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। ये देख लो क्या नौबत आ रही है, किसान के बच्चों पे भी NSA लगाना चाहते, और ऐसे ही हम लोग कमजोर होते चले जाएंगे। वो दिन दूर नहीं कि चौराहे पे आप लोगों की तस्वीर लगेगी, जो बुजुर्ग किसान बैठे हैं जो चौधरी चरण सिंह अमर रहे का नारा ले रहे हैं, आपकी फोटो लगा के सबसे बड़ा अपराधी बनाने साबित करने में ये लोग जुट जाएंगे। इन बातों का जवाब मैं दे सकता हूं और दे भी रहा हूं, लेकिन इन बातों का जवाब आपको 10 तारीख में यहां से उनका सफाया करके देना है। 3 सीट है शामली की, मैं शामली जिले की कहूंगा, मुजफ्फरनगर वालों तो ठीक कर रहे हैं। और बाबा ने कहा कि शामली और मुजफ्फरनगर उनकी नजर में ये ज्यादा गर्म है, उनकी गर्मी निकालनी है, आपकी गर्मी निकालनी है। सीधी सीधी आपको धमकी दी है बाबा ने। वैसे भारत आजाद है, लोकतंत्र है, और उनका हक बनता है, वो अपने पार्टी के लिए वोट तो मांग ही सकते हैं। मुख्यमंत्री अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पार्टी का प्रचार तो करेंगे, यहां भी आए यहां भी वोट मांगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्हें कोई इन दोनों जिलों से कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनको तो हम 20% में दिखते हैं, हमारी गर्मी निकालना चाह रहे। और कल यहां आके क्या कितने कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दो लड़के हैं और दंगा कराएंगे। मैं चौधरी चरण सिंह का नाती हूं, क्या कोई मान सकता है कि मैं कभी दंगा भड़काऊंगा? चौधरी चरण सिंह जी ने 1970 में गुंडा एक्ट बनाया था, बाबा कहते हैं सारे गुंडे भगा दिए। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, मैंने कौन सा अपराध किया था, कौन सा गुनाह किया था कि हाथरस के उस परिवार से जब मैं मिलने जा रहा था तो मुझ पे भी लाठी चलाई? और आप जान रहे हो कि इतनी क्रूरता का परिचय सरकार ने दिया, सब पे लाठी चलाई, भड़काऊ भाषण दिए, लठमार शासन दिया, और किसानों को क्या दिया? आपके हाथ में बैटरी वाली टॉर्च पकड़ा दी, दूसरे हाथ में लट पकड़ा दिया, का खेत में तार लगाओ, रात भर पहरेदारी करो, और बीच बीच में वो अपने दूत भेज देते हैं वहां गोरखपुर से बाबा जी के, जाके इनके खेत देख के आओ, थोड़ा चर के आओ। इसी क्षेत्र से मंत्री जी हैं, आपने देखा 5 साल में उनके चेहरे पे बड़ी रौनक खिली गई,
लाल गाल हो गए उनके लाल, और जो हमारी गर्मी उतारना चाह रहे हैं उनको सर्दी में पसीना आ रहा है खूब। और गांव गांव में विरोध हो रहा, गांव गांव में इनको भगाया भी जा रहा, चर्बी उतर जाएगी इसी चुनाव में मुझे लग रहा। लेकिन आप देखिए कितनी अजीब बात है, जिस विभाग के वो मंत्री हैं बिल्कुल खदेड़ा होगा, सब कुछ होगा। जिस विभाग के वो मंत्री हैं और जिस क्षेत्र के वो प्रतिनिधि हैं, उस क्षेत्र के किसानों के साथ भी उन्होंने अन्याय किया। अभी भी यहां 150 करोड़ से ऊपर तो मुझे लगता है थाना भवन मेल पे ही बकाया है, पिछले साल का शायद 54 करोड़ है, तो 200 करोड़ से ऊपर हो गया। ब्याज की तो बात कोई पूछता ही नहीं, और 5 साल में उन्होंने रेट कितना बढ़ाया आपको, 25 पैसे। ठीक बोले 25 पैसे। जब किलो के हिसाब से हर चीज में आपसे लिया जाता है तो जब देने की बात हो तो पैसे में बात होगी। लेकिन भर्ती पे आपने देखा कितना कड़वा अनुभव हमारे बच्चों के साथ हुआ, कैसा व्यवहार दुर्व्यवहार हुआ। अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुस के मारा जाता है, कोई शिक्षक भर्ती को लेकर लखनऊ चला गया तो वहां मारा जा रहा है, और बार बार बुलाया जाता है कि भर्ती खुल गई चलो बरेली में दौड़ करो, चलो गाजीपुर में इम्तिहान दो, और फिर वहां पहुंचते हैं यूपी टेट में हुआ क्या हुआ, पेपर लीक, इम्तिहान रद्द, और फिर करेंगे अगले साल फिर आ जाना तैयारी करके। भर्ती हो ही नहीं रही, मिलिट्री की भर्ती हुए कितना समय हुआ बताओ, और वो सरकार जो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, सपोजिट राष्ट्रवाद तथा कथित राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहती है और फौज में भर्ती नहीं करा रही, क्या कारण है? वो दिन दूर नहीं, ये जो कैंटोनमेंट के इलाके हैं उनकी भी जो संपत्तियां ये भी सरकार बेच देगी। ठीक कह रहे, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन है, रेल बेच दी, सब कुछ सरकारी संपत्तियों की नीलामी है, और ले लो आरक्षण, जब नौकरी नहीं मिलने ही सरकारी कहां से मिल जाएगा लाभ। हमने कल मार्च में ये बात रखी है कि कोविड के कारण 2 साल खराब हो गए बच्चों के, कोई भर्ती नहीं हो पाई, और ओवरएज हो गए, बहुत लोग ओवरएज हो गए, तैयारी कर रखी थी पूरी, और इसलिए अखिलेश जी ने कल ये घोषणा की है, हमने पहले ही लिखा था उम्र बढ़ानी पड़े और उम्र की छूट देनी पड़े तब देंगे, लेकिन भर्ती को बढ़ाएंगे ताकि हमारे बच्चों को नौकरी मिले। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।